देखिए जय माता दी, मैं मीडिया के सभी साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं और आज की जो ये जो प्रेस वार्ता बारीदार संघर्ष कमेटी की तरफ से रखी गई है, मैं डिटेल में सारी चीज़ों पे आपके सामने चर्चा करूंगा। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि कल हमारी पार्लियामेंट के अंदर ये जो हमारे शिवसेना के जो मेंबर पार्लियामेंट हैं उनकी तरफ से एक सवाल जो है हमारे यूनियन सरकार को पूछा गया था कि बारीदारों को लेकर अगर इनको वहाँ से निकाला गया तो इनके लिए आज तक क्या किया, क्या क्या पॉलिसी है सरकार के पास जो इन्होंने ये करना चाहते हैं उनके लिए, और साथ में उन्होंने पूछा था कि क्या सरकार ने कोई कमिटमेंट इनसे की है। तो उसके जवाब में मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, मैं तो सबसे पहले शिवसेना के जो मेंबर पार्लियामेंट हैं हमारे राजन बचारे जी, जिनसे हमारी पिछले साल बारीदार संघर्ष कमेटी की बात हुई थी और उन्होंने जब हमारी सारी बातें सुनने के बाद हमने उन्हें कहा कि हम जहाँ पे हिंदू हैं, जो माता वैष्णो देवी की गुफा का निज़ाम 86 से पहले देखा करते थे, जो बारीदार जिनको कहते हैं, तो उनको वहाँ से बल प्रयोग निकाला गया, विदाउट नोटिस वहाँ से निकाला गया। तो जब हमने सारी कहानी उनको सुनाई तो हमारे राजन बचारे जी जो शिवसेना के एमपी हैं उन्होंने कहा कि मैं पार्लियामेंट के अंदर आपकी बात रखूंगा। तो एक तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं शिवसेना के मेंबर पार्लियामेंट उनका के जिन्होंने ये मुद्दा पार्लियामेंट के अंदर रखा। दूसरा मैं आपके सामने थोड़ा सा एक सच बताना चाहता हूं कि कल के जवाब में जो माननीय हमारे MOS अपना होम है श्री नित्यानंद राय जी, उनकी तरफ से पार्लियामेंट के अंदर जो जवाब दिया गया बहुत ही अफसोसजनक है, क्योंकि उसमें ये कहा गया कि हमारे नोटिस में कोई ऐसा मसला नहीं है और साथ में कंपनसेशन की बात की गई कि बारीदारों को इतना कंपनसेशन दे दी गई है। तो मैं पूरी डिटेल में आपके साथ ये सारी बात साझा करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि कंपनसेशन की जो बात यहाँ पे की गई है, तो मैं आपके सामने ये बताना चाहता हूँ कि बारीदार कम्युनिटी के साथ एक मजाक किया गया था जब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जजमेंट दी थी कि बारीदारों को कंपनसेट किया जाए, तो उसके बाद जो ट्रिब्यूनल वहाँ पे बनाया गया था वो माननीय LG की सदारत में वो काम कर रहा था, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा गफला था। और किस तरीके से वो कहा गया, उन्होंने कहा कि हम 75 करोड़ भी दे सकते हैं और हम चाहें तो 75 लाख भी दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो कंपनसेशन दी गई बारीदारों को, जिसको लेकर सेंटर सरकार ये कह रही है कि हमने इनको कंपनसेट कर दिया। मैं आपके माध्यम से सभी लोगों को मुझे बताना चाहता हूँ, साल उनसे बात हुई थी तो हमने जब उनकी पूरी डिटेल उनको बताई तो उन्होंने कहा हम पार्लियामेंट के अंदर ये मुद्दा रखेंगे, तो उन्होंने कम से कम पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने अपना हमारा मुद्दा वहाँ पे रखा। हमने उनको वोट तो नहीं दिए थे, जो हमारे MP वहाँ पे बैठे थे माननीय जितेंद्र सिंह जी, उनको तो हमने वोट भी दिए थे। मैं पूछना चाहता हूँ जितेंद्र सिंह जी, आप एक तरफ मीडिया में कहते हो, पब्लिकली कहते हो कि बारीदारों के लेकर हम बड़े चिंतित हैं, दिशा की मीटिंग में आप मिनट्स निकाल के देख दीजिए, जो सरकारी सब कागज होते हैं, आप पिछले साल की दिशा की मीटिंग और इस साल की 13 फरवरी की दिशा की मीटिंग, उसमें मिनट्स में लिखा हुआ है कि बारीदारों को इशू को आप रिजॉल्व कीजिए और डीसी रियासी को वहाँ पे निर्देश दिए गए 13 फरवरी को, डीसी रियासी को निर्देश दिए गए कि आप जल्दी बारीदारों से बैठकर बात कीजिए। और उसी को लेकर बारीदारों को जब बात हुई तो वहाँ पे भी इन्होंने एक मजाक किया, क्योंकि ये चाहते हैं किसी तरीके से इस मसले को खराब किया जाए, कुछ ऐसे लोगों को प्रोजेक्ट किया गया। तो ये हम समझ चुके हैं, अब बारीदार किसको समझते हैं, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ ये जो कंपनसेशन की बात मैं करना चाहता हूँ, ये कंपनसेशन जो इन्होंने दी है, जिसका ये डोर पीट रहे हैं भाजपा वाले, ये कंपनसेशन बता दी कि 178 रुपया या 1100 रुपया या 1500 रुपया या 1600 रुपया, ये एक फैमिली को कंपनसेशन इन्होंने दी है। और ये एक RTI के माध्यम से जो हमें जानकारी मिली है, श्राइन बोर्ड की तरफ से लाखों के हिसाब से ये फंड्स जो हैं उन लोगों को दिए गए हैं जिनका श्राइन से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ इसलिए कि ये संस्थाएं जो है किसी ना किसी तरीके से श्राइन बोर्ड की ये काले चिट्ठे जो है इनकी गलत नीतियों को सपोर्ट करते रहें। और जिन एजेंसियों को ये फंडिंग की गई है ये लाखों के हिसाब से है, एक तरफ उन लोगों का जिनका इन श्राइन से कोई लेना देना नहीं है उनको लाखों के हिसाब से श्राइन बोर्ड फंडिंग कर रही है, और दूसरी तरफ जिन लोगों ने हजारों साल वहाँ पे सेवा की, जिनका अधिकार है, जिनकी वो कुल देवी है, उनको ये मतलब 100 रुपया या 150 रुपया कंपनसेशन दे रहा है। बिल्कुल इस मैं ये बहुत बिल्कुल इसके लिए मैं कहता हूँ कि ये जितने भी लोग हैं ये जो फिल्म से जुड़े हुए या दूसरे, क्योंकि ये इसी तरीके से मसला हाईलाइट होगा, तो मैं चाहता हूँ आपके मीडिया से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप इन गरीब लोगों की थोड़ी जानकारी आगे तक पहुँचाएँ, लेकिन हम चाहते हैं कि ये होना चाहिए और इसको आप पूरा हम करेंगे। केंद्र में सरकार
सरकार द्वारा दिए गए जो जवाब है, ये श्राइन बोर्ड है। देखिए मैं आपको बताऊं, ये इसके लिए मैं पहले भी बता चुका हूं, इसका बड़ा कारण क्या है। एक तो श्राइन बोर्ड जो है उनके चेयरमैन है जो एलजी जहां पे हैं, तो एलजी साहब अगर चेयरमैन होंगे तो वो चेयरमैन श्राइन बोर्ड को ही डिफेंड करेगा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें श्राइन बोर्ड के चेयरमैन और इनके सीईओ द्वारा दबाई गई हैं, आज नहीं कई बार ऐसा हो चुका। और सबसे बड़ा कारण उसका क्या है, ये एक और बड़ा कारण है, वो यह है कि इनके पास हेलीकॉप्टर की टिकटें रहती हैं, इनके पास वहाँ पे भवन में वीआईपी कमरे रहते हैं, इनके पास बैटरी कार रहती है। तो ये सारी सुविधाओं से बारीदारों को कुचलना चाहते हैं। और ये सुविधा जो बड़े जितने सेंटर के मंत्री हैं उनको दी जाती है, सेंटर के जो बड़े बड़े ऑफिसर हैं उनको दी जाती है, और एलजी साहब और सीईओ श्राइन बोर्ड के जितने भी ये रिश्तेदार जो इनके क्लोज रहते हैं उनको दी जाती है। ताकि ये अमित शाह जी और प्राइम मिनिस्टर जी जहाँ अपने जहाँ पे पीएमओ साहब को बहुत चिंता हुई थी कि वहाँ पे बहुत गलत हुआ है, लेकिन मुझे बताओ आज कितने देर हो गई, उस इंक्वायरी का क्या हुआ, उसको दबा दिया गया और एक भी श्राइन बोर्ड के अधिकारी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, जबकि सारा सिस्टम श्राइन बोर्ड के पास रहता है। तो कम से कम अगर इतने लोग वहां पे मारे गए हैं तो उनके पास इंक्वायरी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। तो आप क्या समझ सकते हो, ये श्राइन बोर्ड प्रशासन जो है सीईओ श्राइन बोर्ड से लेकर चाहे एलजी साहब से लेकर चेयरमैन श्राइन बोर्ड से लेकर ये सारे के सारे लोग जो है जहां पे चोरी चिकारी को दबाने की करते हैं। मैं आपको एक बार और बात आना चाहता हूं, आप आइए असली मुद्दे पे ये बात करना चाहता हूं कि ये कहते हैं बारीदारों को हमने ये कुछ दिया। मैं कहता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से, और मैं मीडिया से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एक टीम नियुक्त करे जहां पे और मीडिया भी साथ में रहे और हम बारीदार के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी साथ में जाएंगे, बारीदारों के गांव में जाएंगे और वहां जाकर इंक्वायरी कीजिए कि बारीदार जो जिन्होंने हजारों साल वहां पे सेवा की है उनका लिविंग स्टैंडर्ड देख लीजिए, और श्राइन बोर्ड के अधिकारी चाहे मैं चेयरमैन श्राइन बोर्ड से लेकर और नीचे के अधिकारियों तक इनका लिविंग स्टैंडर्ड भी देखो, ये किस तरीके की फाइव स्टार सुविधा भोग रहे हैं। तो ये मैं कहना चाहता हूं, ये माता के पैसे का दुरुपयोग श्राइन बोर्ड करता जा रहा है और भवन में माता के भक्तों द्वारा चढ़ाए गए पैसे का बिल्कुल आनंद ले रहा है श्राइन बोर्ड के सारे अधिकारी। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि अब हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे सरकार हमें जो कुछ करे, जितनी मर्जी एजेंसी हमारे ऊपर लगा लो, जेल में डाल लो, हमें गोली मार दो, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मजाक किया गया हमारे साथ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने झूठ बोला, पीएमओ में मंत्री ने झूठ बोला, होम मिनिस्टर ने झूठ बोला, हमारे भाजपा के जहां स्टेट प्रेसिडेंट ने झूठ बोला, जहां डीडीसी काउंसिल के चेयरमैन ने झूठ बोला, तो अब कहां और रह जाता है। बिल्कुल, तो मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि अगर ये सीरियस होते तो कम से कम बारीदारों से बैठ के बात तो करते, आज तक बात तो हुई नहीं है। ये डीसी रियासी को कह रहे हैं कि आप बात कीजिए, लेकिन वहां पे भी मजाक किया गया, एक बार मीटिंग हुई उसके बाद अब 3 महीने में कुछ नहीं हुआ। तो ये सिर्फ मजाक करते जा रहे हैं, सिर्फ वोटों की देख रहे हैं, अभी इलेक्शन आएगी, ये कुछ ना कुछ नया सिस्टम लेके आएंगे, हम बारीदारों के साथ ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन मैं भाजपा को ये बताना चाहता हूं, कम से कम आप अब इनसे उम्मीद छोड़ दीजिए, क्योंकि बारीदार जो हैं काफ़ी अवेयर हो चुके हैं और हम इनके झांसे में अब नहीं आएंगे। ये देखिए, ये जो बात आप कह रहे हो इसी बात को लेकर पिछले बार अपने पीएमओ में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा था कि जहां पे थोड़ा सा इसमें गलती रह गई है और श्राइन बोर्ड को हम रिकॉन्स्टिट्यूट करेंगे और इसमें बारीदारों की तरफ से भी मेंबर रहेगा, लेकिन 1.5 साल से आज तक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। ये सिर्फ बातें करते हैं, क्योंकि बारीदारों का तो मेंबर होना चाहिए था लोकल, जहां पे कोई ना कोई मेंबर श्राइन बोर्ड में होना चाहिए था, लेकिन कोई मेंबर नहीं है। उसमें बाहर से लोग लाए गए हैं, वो लोग लाए गए हैं जो किसी ना किसी तरीके से श्राइन बोर्ड का गुणगान करते रहे हैं, और वो मेंबर जो है उनके परिवारों को, उनके जो खास लोग हैं उनको वहां पे वीआईपी सुविधा। मैं कहना चाहता हूं श्राइन बोर्ड के सीईओ को, क्या आपके किसी रिश्तेदार ने अगर जहां पे लाइन में लग के दर्शन किए हैं तो हमारे से बात करें। बारीदारों